हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, आज मैं जिम्नास्टिक के बारे में वे सभी महत्वपूर्ण बातें जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, यानी जिम्नास्टिक क्या है, इसके सामान्य नियम, इसमें कौन कौन से ऑपरेटर्स यानी कि उपकरण प्रयोग किए जाते हैं महिला और पुरुष के लिए, जिम्नास्टिक कितने प्रकार के होते हैं जैसे कि आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक, एक्रोबेटिक्स, एरोबिक्स, रिदमिक, ट्रम्पोलिन, इन सभी के बारे में एंड दोस्तों सभी उपकरणों के मेजरमेंट्स के बारे में और किसको किसको कौन सा पुरस्कार मिला है, कौन खिलाड़ी हैं, इन सभी के बारे में डिटेल में बताने वाली हूँ। दोस्तों, यह पार्ट बाय पार्ट होगा, यह पार्ट वन है। दोस्तों, इन सभी वीडियोज को देखने के बाद आप जिम्नास्टिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा उसमें डाउट नहीं करेंगे। एंड दोस्तों, जिम्नास्टिक के हिस्ट्री एंड जिम्नास्टिक से रिलेटेड जितने भी बुक्स लिखे गए हैं उसके बारे में मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, उस वीडियो को आप वॉच करके उसके बारे में जान सकते हैं। एंड दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स PGT KVS NVS LT की तैयारी कर रहे हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं प्रिपरेशन, तो मेरे चैनल पे सभी वीडियोज सिलेबस के अकॉर्डिंग है, स्टेप बाय स्टेप टॉपिक वाइज है। उन सभी वीडियोज को वॉच करके आप अपने प्रिपरेशन को बेहतरीन बना सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि जिम्नास्टिक शुरू कैसे हुआ, जिम्नास्टिक का अर्थ क्या है। दोस्तों, जिम्नास्टिक यूनानी भाषा के जिम्नोस से, जिसका अर्थ होता है नग्न शरीर, से बना हुआ है, ठीक है। दोस्तों, खेलों की रानी यानी मदर ऑफ स्पोर्ट्स किसे कहा जाता है, तो जिम्नास्टिक को बोला जाता है, ठीक है। मदर ऑफ स्पोर्ट, खेलों की जननी, मदर ऑफ स्पोर्ट्स किसे बोला जाता है, जिम्नास्टिक को। एंड खेलों की रानी किसे बोला जाता है दोस्तों, एथलेटिक को, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। खेलों की जननी, मदर ऑफ स्पोर्ट्स, जिम्नास्टिक। दोस्तों, जिम्नास्टिक के जन्मदाता कौन है, तो जिम्नास्टिक के जन्मदाता है गर्समर्स, जो जर्मनी में जिम्नास्टिक के पितामह कहे जाते हैं और जिम्नास्टिक को शुरू करने वाले यही हैं, इसलिए जिम्नास्टिक के पितामह गर्समर्स को बोला जाता है। एंड दोस्तों, जर्मनी में आधुनिक जिम्नास्टिक के जनक बोले जाते हैं फ्रेडरिक लुडविक जान। अब बात करते हैं दोस्तों कि जिम्नास्टिक को ओलंपिक में कब शामिल किया गया। दोस्तों, जब आधुनिक ओलंपिक 1896 में शुरू हुआ उसी समय से जिम्नास्टिक ओलंपिक में शामिल है, यानी कि ओलंपिक में जिम्नास्टिक कब शामिल हुआ, 1896 एथेंस ग्रीस में, ठीक है। और ओलंपिक में महिला जिम्नास्टिक को कब शामिल किया गया, 1928 एमस्टर्डम हॉलैंड में। एंड दोस्तों, रिदमिक जिम्नास्टिक को ओलंपिक में कब शामिल किया गया, 1984 लॉस एंजेल्स में। एंड टेम्पोलिन जिम्नास्टिक को कब शामिल किया गया, 2000 सिडनी ओलंपिक में। एंड दोस्तों, भारत ने ओलंपिक की जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में कब भाग लिया, तो भारत ने भाग लिया 1952 हेलसिंकी फिनलैंड में। कब भाग लिया, 1952 हेलसिंकी फिनलैंड में भाग लिया भारत ने। एंड दोस्तों, एशियाई खेलों में जिम्नास्टिक को कब शामिल किया गया, तो 1974 तेहरान ईरान में इसको शामिल किया गया। एंड दोस्तों, अब बात करते हैं कि FIG यानी इंटरनेशनल जिम्नास्टिक डी फेडरेशन, इसकी स्थापना 1881 स्विट्जरलैंड में हुआ था, और स्विट्जरलैंड में हुआ था इसका इसके प्रथम यानी इसके वर्तमान अध्यक्ष है ब्रूनो ग्रांडी इटली के, ठीक है। एंड दोस्तों, FIG इंटरनेशनल जिम्नास्टिक फेडरेशन के अंतर्गत आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक, एक्रोबेटिक्स जिम्नास्टिक, एरोबिक्स जिम्नास्टिक, रिदमिक जिम्नास्टिक, ट्रम्पोलिन जिम्नास्टिक शामिल किए गए हैं। एंड दोस्तों, ओलंपिक में जिम्नास्टिक खेल के अंतर्गत कितने और कौन से प्रकार के खिलाड़ी, कौन से प्रकार की जिम्नास्टिक प्रतियोगिता आती है, तो दोस्तों यहाँ पे ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ओलंपिक में जिम्नास्टिक खेल के अंतर्गत कितने एवं कौन से प्रकार की जिम्नास्टिक प्रतियोगिता आती है। तो ओलंपिक में शामिल कौन कौन से जिम्नास्टिक हैं, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक, रिदमिक जिम्नास्टिक एंड ट्रम्पोलिन जिम्नास्टिक, ठीक है। तीन
जिम्नास्टिक स्पर्धाएं आती हैं ओलंपिक खेल के अंतर्गत, ठीक है, इसको आप विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। एंड दोस्तों GFI जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1951 नई दिल्ली में हुआ था। एंड दोस्तों इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं यश जसपाल, ठीक है दोस्तों। एंड दोस्तों अब बात करेंगे इसके पुरस्कार की, तो दोस्तों अर्जुन पुरस्कार जिम्नास्टिक में सबसे प्रथम अर्जुन पुरस्कार दिया गया है श्याम लाल को 1961 में। एंड आशीष कुमार यानी यूपी इलाहाबाद से हैं, इनको 2011 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया। एंड दीपा कर्माकर जो 2016 रियो ओलंपिक में जिम्नास्टिक वर्ल्ड स्पर्धा में भारत की तरफ से भाग लेने वाली प्रथम जिम्नास्ट बनी है, इनको दिया गया अर्जुन पुरस्कार 2016 में। एंड दोस्तों 2021 टोक्यो ओलंपिक में जिम्नास्टिक में भाग लेने वाली भारत की तरफ से महिला हैं प्रणति नायक। दोस्तों यह प्रणति नायक आप विशेष रूप में याद रखिएगा क्योंकि 2021 में ये भाग ली थी। एंड दोस्तों राजीव गांधी पुरस्कार किसको किसको दिया गया था, जैसे कि राजीव गांधी की शुरुआत 1991-92 में हुआ है, तो प्रथम जिम्नास्टिक में प्रथम राजीव गांधी पुरस्कार दीपा कर्माकर को मिला है 2016 में ही। एंड द्रोणाचार्य मिला है 1985 में सर्वप्रथम विश्वेश्वर नंदी को 2016 में ही, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों जिम्नास्टिक अभ्यास जहां उसको जिम्नेजियम बोला जाता है, जिम्नेजियम के बारे में जानते हैं दोस्तों। जिम्नेजियम यानी कि जिस स्थान पर जिम्नास्टिक के व्यायाम कराए जाते हैं उसे जिम्नेजियम बोलते हैं, ठीक है। इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होती है, 60x30 मीटर, ठीक है। लंबाई चौड़ाई कितनी होती है, 60x30 मीटर, ठीक है। और इसका वास्तविक आकार जो है दोस्तों की जाने वाली क्रिया पर निर्भर करती है। एंड जिम्नेजियम हॉल में लेबोरेटरी, बाथरूम, चेंजिंग रूम, स्टोर रूम, सही प्रकाश की व्यवस्था, रोशनदान तथा लकड़ी का फर्श होता है। इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों, तो 8 खिलाड़ी होते हैं, खेलने वाले 6 होते हैं और 2 अतिरिक्त यानी स्थानापन्न खिलाड़ी होते हैं दोस्तों। अब इसमें कुछ सामान्य नियमों की बात करते हैं, जैसे कि दोस्तों इसमें अंक कैसे दिया जाता है, तो जिम्नास्टिक में अंक देने की विधि है प्रत्येक अभ्यास के 0 से 10 तक अंक दिए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि जिम्नास्टिक के में अधिकतम अंक कितने दिए जाते हैं, तो 10। एंड अंक देने के लिए जजों यानी निर्णायकों का समूह 3 या 5 का होता है। अंक देने के लिए जजों या निर्णायकों का समूह कितना होता है, 3 जज हो सकते हैं या 3 जजों का समूह हो सकता है या 5, ठीक है। अब जब जजों यानी निर्णायकों का समूह 5 का हो तो कैसे औसत निकाला जाता है, तो जब जजों यानी निर्णायकों का समूह 5 का हो तो इसका सूत्र होता है सर्वोच्च अंक प्लस न्यूनतम अंक प्लस बाकी 3 निर्णायकों के अंकों का औसत जोड़कर अंक दिया जाता है। और जब निर्णायकों यानी जजों का समूह 3 का होता है तो 3 निर्णायकों के अंकों का औसत निकालकर अंक दिया जाता है। जैसे कि अब प्रथम जज का अंक 8 है, 8 अंक है, दूसरे जज का 6 अंक है, तीसरे जज का 4 अंक है, तीनों का औसत निकालेंगे तो औसत निकालने का सूत्र होगा पदों का योग अपान पदों की संख्या यानी 8+6+4/3 यानी 18/3 बराबर 6 अंक। एंड दोस्तों इसके कुछ सामान्य नियमों के बारे में हम बात करते हैं, जैसे कि दोस्तों प्रत्येक स्पर्धा के अंत में व बाद में सिग्नल मिलने के 30 सेकेंड के भीतर कसरत प्रारंभ व जज के सामने उपस्थित होता है। एंड दूसरा नियम है यदि वह कसरत करते समय रुक जाता है तो उसे 30 सेकेंड के भीतर पुनः व्यायाम करना पड़ता है।
एंड नेक्स्ट है जिमनास्ट प्रदर्शन के दौरान मोजे स्लीपर व पट्टियां बांधे रहता है तथा सिग्नल मिलने के बाद ही 30 सेकेंड के भीतर वह अपनी कला का प्रदर्शन करता है। एंड नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल बार या रोमन रिंग पर प्रदर्शन के दौरान खिलाड़ी के साथ कोच का होना अनिवार्य है। एंड नेक्स्ट है महिलाएं वॉल्ट स्पर्धा में 2 वॉल्ट करती है, ध्यान रखिएगा महिलाएं वॉल्ट स्पर्धा में कितनी वॉल्ट करती हैं? 2 वॉल्ट करती हैं। इन दोनों वॉल्टों में सबसे अच्छे वॉल्ट को जोड़ दिया जाता है और फाइनल में दोनों वॉल्टों का औसत लिया जाता है। पर पुरुष वॉल्ट स्पर्धा में मात्र 1 ही वॉल्ट करते हैं तथा उन्हें 10 में से ही स्कोर दिया जाता है। एंड टीम स्पर्धा के लिए प्रत्येक टीम से 6 जिमनास्ट एक अनिवार्य व एक ऐच्छिक कसरत करते हैं। सर्वश्रेष्ठ 5 स्कोर को नोट किया जाता है ताकि उन्हें टीम के अंकों में जोड़ा जा सके। टोटल 8 खिलाड़ी होते हैं एंड प्लेइंग टीम यानी खेलने वाले खिलाड़ी 6 होते हैं, स्थानापन्न खिलाड़ी 2 होते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों जिम्नास्टिक खेल की शब्दावली। जिम्नास्टिक खेल की शब्दावलियों में सबसे पहला है एपरेटस। दोस्तों जिन उपकरणों पर जिम्नास्ट अपनी कला का प्रदर्शन करता है उन्हें ही एपरेटस कहा जाता है। दूसरा है डिसमाउंट, यानी किसी भी एक्सरसाइज के अंत में की जाने वाली क्रिया। यानी संक्षेप में कहें तो जब हम एपरेटस को छोड़ते हैं तो उसे ही डिसमाउंट कहा जाता है। ठीक है, जब उसे एक्सरसाइज करते हैं तो जो ही हम उस एपरेटस को छोड़ते हैं तो उसे डिसमाउंट कहा जाता है। जब हम फर्श पे आ जाते हैं, उपकरण पर से हम फर्श पे यानी जमीन पे आ जाते हैं। तीसरा है माउंट, यानी किसी एपरेटस पर एक्सरसाइज प्रारंभ करने की क्रिया जिम्नास्टिक खेल में माउंट कहलाती है। यानी कि दोस्तों जब आप एपरेटस पर एक्सरसाइज प्रारंभ किए तो वो माउंट कहेगा और प्रारंभ करने के बाद एकाएक जमीन पर आ गए तो वो डिसमाउंट कहलाएगा। ठीक है, चौथा है फ्लैक, यानी कि इसमें जिम्नास्ट का शरीर एपरेटस यानी उपकरण जो होता है उसके ऊपर से गुजरता है पर उसकी हिप जो है एपरेटस की ओर होगा। ठीक है, पांचवा है टर्न, यानी एक एक्सिस धुरी के शरीर को चारों ओर घुमाने की पूर्ण क्रिया जिम्नास्टिक खेल में टर्न कहलाती है। छठवा है वॉल्ट, यानी इसमें किसी एपरेटस के ऊपर से गुजरना। जब हमारा शरीर क्षण भर के लिए वॉल्ट पर लगता है तो ऐसी अवस्था वॉल्ट कहलाती है। प्रमुख कप दोस्तों इसमें चाइना कप विशेष होता है। दोस्तों ये था जिम्नास्टिक के बारे में सामान्य परिचय, ओलंपिक में कब शामिल हुआ, इसके सामान्य नियम क्या है। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि जिम्नास्टिक के कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों जिम्नास्टिक कई प्रकार का होता है, जैसे कि आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक, एक्रोबेटिक्स जिम्नास्टिक एंड एरोबिक्स जिम्नास्टिक, रिदमिक जिम्नास्टिक, ट्रम्पोलिन जिम्नास्टिक। तो इन सभी के बारे में अब हम डिटेल से बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक, जिसका जिक्र हमेशा होता रहता है, जैसे कि आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक जिसे कलात्मक जिम्नास्टिक बोला जाता है। इसमें कौन कौन से उपकरण प्रयुक्त होते हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो जिम्नास्टिक में पुरुषों के लिए 6 उपकरण और महिलाओं के लिए 4 उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों जिम्नास्टिक में पुरुषों के लिए 6 उपकरण कौन कौन से प्रयोग किए जाते हैं। तो दोस्तों 6 उपकरण कौन कौन से प्रयोग किए जाते हैं इसके लिए ट्रिक है रूपोवा हफलोपा, रूपोवा हफलोपा, क्योंकि दोस्तों इसके उपकरण जल्दी से याद नहीं हो पाते हैं, इसलिए आप इस तरह से याद करेंगे तो वो जल्दी ही याद हो जाएगा। तो ज़्यादातर तो यही पूछता है कि पुरुषों के लिए जिम्नास्टिक में कौन कौन से कितने उपकरण होते हैं, महिलाओं के लिए कितने होते हैं।
अच्छा ये भी दे देगा कि कौन सा महिलाओं का उपकरण नहीं है या कौन पुरुषों का नहीं है, कौन पुरुषों में शामिल है, तो इसमें आप फंस जाएंगे। इसलिए उपकरणों को भी याद रखना आवश्यक है। तो पुरुषों के लिए 6 उपकरण होते हैं, जिसका ट्रिक है रूपवा हफलोपा, यानी रू से रोमन रिंग, प से पैरल बार, दूसरा एंड वा से वाल्टिंग हॉर्स, ह से हॉरिजॉन्टल बार, फ्लो से फ्लोर एंड पा से पामेल हॉर्स। ये 6 उपकरण आते हैं पुरुषों के अंतर्गत। एंड महिला जिम्नास्टिक के लिए कितने उपकरण होते हैं? 4। इसके लिए क्या ट्रिक है? फ्वा सीबे, यानी फ्वा सीबे, फ्वा से फ्लोर एंड वा से वॉल्टिंग हार्स, सी से सिमेट्रिकल एंड सिमेट्रिकल या अनइवन बार, अनइवन बार को ही सिमेट्रिकल बार भी बोला जाता है, एंड वे से बैलेंसिंग बीम। ये 4 उपकरण महिलाओं के अंतर्गत आते हैं। एंड दोस्तों, इन सभी उपकरणों की माप एंड लंबाई चौड़ाई मेजरमेंट्स जितने भी होते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में बताया जाएगा। आज बस इतना ही। आई होप कि दोस्तों सभी महत्वपूर्ण बातें जिम्नास्टिक के बारे में आपको समझ में आई होंगी। दोस्तों सभी टॉपिक इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी को नोट्स बना लीजिएगा। एंड दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक, एरोबिक जिम्नास्टिक, रिदमिक जिम्नास्टिक एंड ट्रम्पोलिन जिम्नास्टिक के बारे में डिटेल में बताऊंगी, तो किसी भी वीडियो को मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए। एंड दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, जिससे मुझे एक नया मोटिवेशन मिले, जिससे मैं डेली बेसिस पे आपके लिए वीडियोज बना सकूँ। एंड दोस्तों, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जो मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।